हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन सीए पर। आज के इस वीडियो में जानेंगे एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल 21-22 की जीएसटीआर 9 के अंदर टेबल नंबर 17 जो कि एचएसएन वाइज समरी आपकी आउटवर्ड सप्लाईज, उसके बारे में जानेंगे कि ये किस किस को मैंडेटरी है, इसको एचएसएन डिटेल दिखाना, जीएसटीआर 9 के अंदर किसके लिए ऑप्शनल है, कौन कौन से एरर आ रहे हैं आपको एचएसएन वाइज समरी डालते हुए, सारी की सारी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम टैली प्राइम से हम इसकी डिटेल निकाल सकते हैं एचएसएन वाइज समरी की पूरी सेल की, वो सारी की सारी डिटेल हम सारी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जीएसटी पर आ जाएंगे, फिर आप जाएंगे सर्विस में, रिटर्न में, एनुअल रिटर्न में, फाइनेंशियल 21-22 में सेलेक्ट करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे, जीएसटीआर 9 पे क्लिक करेंगे, इसे नो रहने देंगे, नेक्स्ट। ये आपकी टेबल नंबर 17 है जिसमें आपको एचएसएन वाइज समरी डालनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी इसके अंदर अगर आपका फ्रैक्शनल भी कोई पॉइंट आता है, चेंज आता है, जैसे टैक्स अमाउंट आपका 5 लाख है टैक्सेबल वैल्यू, उसका टैक्स अमाउंट सीजीएसटी आपका हो जाएगा 45,000। अगर आपने इसमें 44,999 कुछ भी फ्रैक्शन में कोई भी डिटेल डाल दी है तो वो लेगा नहीं, वो एरर दिखा देगा यहाँ पे, वो आपकी जीएसटी वन में ले लेता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लेगा। फ्रैक्शनल मिस्टेक कोई भी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और फिर इसके बाद जानते हैं किस किस को एचएसएन की समरी डालनी है, किसको नहीं डालनी है। यहाँ पर जिसकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पिछले साल 5 करोड़ से ऊपर है, उस चाहे उसकी B2C हो या फिर B2B, दोनों की सेल में ऐसे में उसको एचएसएन कोड यहाँ पे मैंडेटरी यहाँ पर डालना। अगर आपकी सेल 5 करोड़ तक है एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पिछले साल की, तो आपको ऐसे में B2B की तो जो भी आपकी टर्नओवर है सारी की सारी आपको मैंडेटरी एचएसएन डालना। लेकिन अगर आपकी जो B2C सेल है यहाँ पर आपके लिए ऑप्शनल है, यहाँ पर आपको यहाँ पर नहीं डालना है, ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं यहाँ पर नहीं भी डालना है। तो एचएसएन को डालने से पहले आपको 3 चीजों का याद रखना हमेशा जरूरी है, आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर कितनी है। अगर पिछले साल 5 करोड़ तक है तो आपको B2C के एचएसएन डालने हैं, सॉरी B2B के डालने हैं। अगर आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो इस केस में आपको B2C और B2B दोनों के डालने हैं। और साथ ही में कोई फ्रैक्शनल आप एचएसएन कोड में कोई फ्रैक्शनल वैल्यू ना डालें वहां पे, जैसे आपका टैक्स अमाउंट सीजीएसटी एजीएसटी आईजीएसटी में कोई भी अमाउंट आ रहा है, अगर आपका फ्रैक्शन वैल्यू हिल जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 लाख का टैक्स वैल्यू है उसका अमाउंट नेट 45,000 और 45,000 बैठेगा, या फिर उसका आईजीएसटी सीजीएसटी जो भी आएगा अमाउंट फ्रैक्शन में प्रॉपर होना चाहिए, उसका 18% पूरा वो आना चाहिए। अगर 12% की वैल्यू तो पूरी उसका अमाउंट 12% होना चाहिए। तो आपको मैं एग्जांपल के थ्रू एक डाल के दिखाता हूँ, जैसे मेरा गुड्स मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, यहाँ पे 42,02 का यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, ये मेरा मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, यहाँ पे मेरे को डालना है किसके अंदर जाता है, मेरा पीसीस में है, नंबर्स में, मेरा पीसीस में जाता है यहाँ पे, यानी मैंने पीसीस यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद टोटल क्वांटिटी आपको डालनी है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, ये सारी डिटेल आप अपने सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर में आप काम करते हैं, चाहे एक्सेल में काम करते हो, चाहे टैली में काम करते हो, टैली प्राइम आपको, टैली ERP 9 किसी में भी काम करते हो, वहाँ से आप डिटेल पूरी बना सकते हो पूरे साल की। ये मैंने टैली प्राइम और टैली ERP 9 दोनों में बताया हुआ कि कैसे टैली से हम डाटा निकाल सकते हैं एचएसएन वाइज समरी का, उसकी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है पूरी, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपनी टोटल क्वांटिटी यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, 1000 क्वांटिटी है, मेरा टैक्सेबल वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ये मैं एग्जाम्पल के लिए डाल रहा हूँ, जैसे मेरी टैक्सेबल वैल्यू मेरी 5 लाख रुपये है, टैक्स रेट मेरा जो है इसका वो मेरा 12% का है, यहाँ पर मैंने उस पर IGST लगाया हुआ है पूरा इसका 60,000 रुपये, यहाँ पर 5 लाख का 12% यहाँ पे 60,000 था। अगर मैं 60,000 पूरी वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा तो ये कोई इसे सेव कर लेगा, ऐसे कोई इसमें एरर नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे इसने सेव कर लिया, सेव के लिए ऑप्शन आ गया है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं 59,999.90 भी डाल दूंगा यहाँ पर, तो ये एरर यहाँ पे दिखा देगा, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जैसे मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर, मैंने डाल दिया है 59,999.9, तो अगर मैं इसे सेव करने जाऊंगा तो यहाँ पे ये एरर दिखा देगा, ये आपका पूरा अमाउंट मैच होना चाहिए। IGST CGST आप तीनों हेडों में डालोगे, यानी कि इसका जो टैक्सेबल वैल्यू का जो टैक्स अमाउंट होगा 12% का, ये तीनों का मैच होना चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू में पूरा बराबर आना चाहिए उसके टैक्स अमाउंट के। एक चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर GST 9 को फाइल करते हो टेबल 17 में, आपकी अपने सेल को पूरी बायफ्रेट कर लेना है, कितना आपका 12 का है, 18 का है, 5% का है, तो उस हिसाब से डिटेल आपको पूरी एचएसएन वाइज समरी उसके अंदर डालनी है। अगर किसी का जीएसटी 9 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मैंने उसके लिए पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई, मैंने सारी टेबल्स उसके अंदर पूरी क्लियर समझाई हुई है, तो उसका भी लिंक मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं।
फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।